बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका होस्ट समीउल्ला जट और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। आज हम मौजूद हैं गंडा सिंह बॉर्डर पर। अगर बात की जाए गंडा सिंह परेड की, तो गंडा सिंह परेड जो है वो अगर उसे पाकिस्तान की नंबर वन परेड कहा जाए तो ये बेजाना होगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो गंडा सिंह परेड जो है वो शुरू होने वाली है और लहू गरमा देने वाली ये परेड जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस परेड की अगर खसूसियत की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की नंबर वन परेड को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर जो है वो बिल्कुल आमने सामने जो है वो परेड करते हैं। एक लाइन का फासला होता है और एक लाइन आमने सामने देखा जा सकता है कि किस तरह जो है पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी जो है शहीन किस तरह परेड करते हैं और कैसे अवाम का लहू गरमाते हैं और ये किस तरह ये है जो लोगों के जोश और जज्बा पैदा करते हैं। अगर इस परेड की बात की जाए तो इसमें यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स का जो है वो इतने जवान जोशी जवान जो है जिसे कहा जाए तो वो बेजाना होगा और वो इंडियन जो है वो सुरमाओं की आंखें निकालते भी दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे जी, परेड आपने देखी, कैसा लगा आप? बहुत जोशो खरोश था हमारी वाम में भी। और ये जो गंडा सिंह वाली परेड है, जो आपने कहा है, ये एक मुनफरद परेड है, पूरे पाकिस्तान में नंबर वन परेड है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम जो है वो आमने सामने होती है। हमारी रेंजर और उनकी जो BSF है वो भी आमने सामने होती है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो जब परेड हमारे जवान पैर मारते हैं तो हमारी जो आवाम है जोश व खरोश से अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आज हमारे इधर डीजी रेंजर और कोर कमांडर साहब भी हमारे इधर अवाम में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में लोगों ने पुरजोश नारे लगाए और बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हुए परेड देखकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अभी भी वो उनका जो जज्बा है वो देखने के काबिल है कि जैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तानी शी जवानों ने जो है वो किस तरह अवाम का लहू गरमाया। उनका कहना था कि जब पाकिस्तानी रेंजर के एहलकार जो है जमीन पांव पांव मारते हैं तो धरती हिला कर रख देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और भी शहरी मौजूद हैं जो यहां पर परेड देखने के लिए हैं, उनसे जानते हैं कैसा फील किया जी आपने। जी बहुत अच्छा फील किया माशाल्लाह। जो पाकिस्तान के रेंजर के जवान है ना, जब वो जज्बे के साथ पांव मारते हैं और नारा तकबीर की आवाज बुलंद करते हैं और हमारी जो आवाम जोश उनका इस्तकबाल करती है, पूरा पता चलता है कि ईमान की ताकत मौजूद है और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। इंसान को अपने ईमान की हालत में जज्बा होता है। हमारे मेहमान हैं, उन पर खास मान नहीं है, हमारे पास जो ताकत है वो ईमानी ताकत है और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर टाइम अल्लाह की फजल से और रहमत नाजल होती रहती है। उसकी वजह से हमारी परेड और उनकी परेड में ज़मीन सवार का फ़र्क है। हम में जोश बहुत ज़्यादा है, उनमें ना देखने के काबिल नज़र आया है। और यहाँ माशाल्लाह रेंजर के DG साहब भी मौजूद थे, कोर कमांडर साहब भी कहते मौजूद थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और पाकिस्तान की आवाम ने जो पुरजोश इस्तकबाल किया है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सी, उनका कहना था कैसे पाकिस्तानी जो है वो आर्मी का जो है वो जज्बा जो है वो सराहते हुए दिखाई दिए और उनका जो जज्बा था, उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपने ईमान के जज्बे के साथ जो है वो अपने पांव जमीन पर मारती है। जब वो जमीन पर मारती है तो दुश्मन के जो है वो लर्जा तारी हो जाता है। और अगर बात करें इस गंडा सिंह परेड की, तो इस पर जो है पाकिस्तानी जो है वो रेंजर ने बहुत अच्छा जो है आने वाले गेस्टों का जो वो इस्तकबाल किया, उनको बैठने के लिए जगह दी, उनको जो है ठंडे पानी के साथ भी उनकी तवाज़ा की। मेरे साथ इस वक्त और शहरी भी मौजूद है जो यहाँ पर आए हैं परेड के देखने के लिए। भाई, कैसा फील किया आपने? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा फील किया। जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी, उनका भी कहना है कि हमने बहुत अच्छा फील किया। फिरोजपुर रोड यहाँ से जो है वो 9 किलोमीटर के फासले पर है और ये यहाँ गंडा सिंह बॉर्डर से लेके लाहौर तक ये सारी रोड जो है फिरोजपुर रोड कहलाती है। अगर बात करें इस परेड की और आज जिन लोगों के जोश और जज्बे की, तो लोगों का जोश और जज्बा इस वक्त जो था वो दीदनी था। मेरे साथ इस वक्त एक और भी शहरी मौजूद हैं जो यहाँ परेड के लिए देखने के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे जी, आप भी परेड देखने आए? हाँ जी, परेड देखने आए हैं हम लोग और दोस्तों के साथ। काफ़ी मज़ा इधर आया परेड देखने का, जोश और जज्बा काफ़ी था
और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा वैसे भी जज्बा बॉर्डर पे आने के तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। और अब अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, पाक फ़ौज और रेंजर, पाक रेंजर इसकी हिफाजत अल्लाह रखे, पाकिस्तान की हिफाजत रखे। हम मुसलमान हैं, हम एक जान और एक जो ना जबान है, तो अल्लाह पाक हमें सलामत रखे, अल्लाह मेहरबानी करे। जी, आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट समीउल्ला और देखते रहिए एक डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।